जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम लोग BPSC 70 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में एडिटोरिया के 5000 MCQ का सेट नंबर 14 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 13 सेट तक कंप्लीट कर लिया और आज हम 14 नंबर का सेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा मेंस के बारे में आपको बता दें कि हमारा मेंस फ्री वाला मेंस आंसर राइटिंग सीरीज स्टार्ट है और आप चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन है डे नंबर 83 का कि देश के राजनीतिक क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर चर्चा करना है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द पॉलिटिकल स्फीयर ऑफ द कंट्री। यानी इस क्वेश्चन को आपको 38 मार्क्स में लिखना है और कल शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक दे रखा है वहाँ सबमिट करना है। लिंक है आपका @BPSC_mynotes। फिर उसके बाद अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिलता है तो आप हमें 6200922032 पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम से सेंड कर दिया जाएगा डायरेक्ट लिंक। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने आज के 70 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग MCQ सेशन पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष का। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष का जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन से आर्टिकल में करता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का एक तरीका है जिसका नाम है इफेक्टिव मेजोरिटी। उस इफेक्टिव मेजोरिटी के तहत में उसको हटा सकते हैं। तो यही हो गया आपका लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक कौन सा इनमें से नहीं है पूछ रहा है। तो बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो आपका कौन कौन सा नहीं आता है, तो आपका स्वच्छता आता है, पेयजल आता है, अबाल मृत्यु दर आता है, लेकिन आपका आय नहीं आता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक कौन सा नहीं है, तो आय जो है नहीं है। नेक्स्ट है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी, ना कि पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ थी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो फोटोसिंथेसिस में जो आपका ऑक्सीजन पैदा होता है उसका स्रोत है आपका जल, वाटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के नवे मंडल का संबंध किस देवता के से है। तो ऋग्वेद के नवे मंडल में आपके सोम देवता है। तो ऋग्वेद में नवे मंडल में आपके सोम देवता है। टोटल मंडलों की संख्या 10 है। आप मेरे को बता सकते हैं कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, नेशनल हेराल्ड जो है अखबार के संस्थापक इनमें से कौन है। तो नेशनल हेराल्ड के संस्थापक कौन हो जाएंगे यहाँ पे, तो जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक हैं जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, और भी बहुत सारा जवाहरलाल नेहरू का है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। फिर यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का है, बहुत सारे इनके पुस्तक हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या अंतर होता है। तो प्राथमिक धनुष में इंद्रधनुष में क्या होता है, तो दो बार आपका रिफ्रैक्शन होता है और एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी दो बार अपवर्तन होगा और एक बार कुल आंतरिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मस्टर्ड गैस का उपयोग कहाँ करते हैं, तो ये हो जाएगा रासायनिक युद्ध में। मस्टर्ड गैस का उपयोग जो होता है रासायनिक युद्ध में किया जाता है और आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मस्टर्ड गैस का ही यूज किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे। तो सबसे पहला सोने के सिक्का जो जारी किया था वो हिंद यूनानी ने किया था। तो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे, हिंद यूनानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के चलाए थे और कुषाणों ने सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए थे। और इंडो ग्रीक के लीडर कौन हो जाएंगे, मियंदर हो जाएंगे। मियंदर लोथल कहाँ पे हो जाएगा, लोथल के हो जाएंगे कौन से, तो आपको डायरेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से मोहनजोदाड़ो के कौन सा, आरडी बनर्जी आ जाएगा। सी का टू देखिएगा कहाँ पे, तो सी का टू हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा जो कि आपका ये हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप आंसर को लगा सकते थे। तो यहाँ पे हमारा लोथल हो जाएगा आपका, लोथल के हो जाएंगे रंगनाथ राव, बनवाली के हो जाएंगे रविंद्र सी बिष्ट, मोहनजोदड़ो के राखलदास बनर्जी और रोपड़ का यज्ञ दत्त शर्मा हो जाएंगे।
निम्न में से किसे अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? तो ये है आपके राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से किसे अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे अजात शत्रु राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने किया था? तो ये जो किए थे कौन, तो मॉन्टेस्क्यू ने किया था। सेपरेशन ऑफ पावर या शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत जो है मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? तो मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति बने थे वो थे आपके कौन, हिदायतुल्ला। तो वो मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए हैं जस्टिस एम हिदायतुल्ला हो जाएंगे। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करता है? तो लोक लेखा समिति लोकसभा के अध्यक्ष को अपना रिपोर्ट सौंपता है। याद रखना है, लोक लेखा समिति जो है अपना रिपोर्ट किसे देता है, लोकसभा अध्यक्ष को। पराबैंगनी किरणों, एक्स किरणों, सूक्ष्म किरणें और गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम में सजाएंगे, कौन सा जगह, तो सबसे पहले आएगा सूक्ष्म आएगा, उसके बाद पराबैंगनी आएगा, उसके बाद एक्सरे आएगा, उसके बाद गामा रे आएगा। यही हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो नंगी हड़ताल जो है कहाँ पे हुआ था, छपरा के जेल में हुआ था। और कब हुआ था, ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में हुआ था। और भारतीय स्वदेशी कपड़ों के मांग को लेकर ये किया गया था, जब उन्हें स्वदेशी कपड़े मिल गए तो उन्होंने आंदोलन को छोड़ दिया। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में कौन सा शामिल नहीं था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था, और उस समय जो थे कौन कौन से इसमें आते थे, तो ये आते थे आपके बंगाल आता था, उड़ीसा आता था, असम आता था। कौन नहीं आता था, सिंध नहीं आता था, याद रखना है। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के पार्ट में आता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? जो अगस्त डिक्लेरेशन है वो आपका मॉन्टेग्यू ने किया था। बात करते हैं अगस्त डिक्लेरेशन जो आपका मॉन्टेग्यू हो जाएगा। अगस्त ऑफर की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे लिलित गो। और अगस्त मूवमेंट कौन सा होता है, यह होता है क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, मैग्नीशियम जो हो जाएगा, मैग्नीशियम का टैल्क होता है, पोटेशियम का नाइटर, कैल्शियम का फॉस्फोराइट और मैंगनीज का आपका पायरोसुलाइट है। इस क्वेश्चन के इस आंसर की के अनुसार में ऑप्शन जो दे रखा है इसका ए दे रखा है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट आपको मिला दिया, मैंने इसको सर्च नहीं किया। द वे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो द वे आउट पैम्पलेट जो है ये थे आपके सी राजगोपालचारी। द वे आउट किसका हो जाएगा, सी राजगोपालचारी का है आपका पैम्पलेट है, सी राजगोपालचारी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है किस संधि का था, कहेगा सलबाई के संधि से समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से खत्म हुआ था, तो सलबाई के संधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? तो नादिर शाह का आक्रमण जो था मोहम्मद शाह, देखिए शाह शाह हो जाएगा, तो शाह शाह से आप देख लीजिएगा। तो नादिर शाह का आक्रमण जो है किसके टाइम में हुआ था, ये मोहम्मद शाह के टाइम में हुआ था। मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? याद करना है कि जो किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने का अधिकार दिया गया था। तो जाहिर सी बात है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 में हुआ था, और यहाँ पे कौन सा सत्र इसके आसपास था, ये था लाहौर सत्र। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है? तो जी का मान जो शून्य होता है वो आता है पृथ्वी के केंद्र में होता है। तो जी का मान जो है आपका पृथ्वी के केंद्र में जीरो होता है। द्रव्यमान दुगना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर हम बात करते हैं हाफ एम बी स्क्वायर गतिज ऊर्जा का, और द्रव्यमान जो होता है इसको हम टू टाइम कर देंगे, तो यहाँ पे टू एम कर देंगे, तो एम तो यहाँ पर रहेगा, ये वाला टू यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो द्रव्यमान यानी मास को डबल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, आपका गतिज ऊर्जा डबल हो जाएगी। किस गैस को अस्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? अस्ट्रेंजर गैस जेनोन को कहते हैं। अस्ट्रेंजर गैस किसे कहेंगे, जेनोन को कहेंगे, याद रखना है।
नेक्स्ट है, और इसको नाइट्रस ऑक्साइड को कौन सा गैस कहते हैं? लॉफिंग गैस कहते हैं। निम्न भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगा? यानी कह रहा है भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से किसकी रक्षा करेगा? राज्यों की। तो ये आर्टिकल है 355, ये आर्टिकल कौन सा है? 355 आर्टिकल है। नेक्स्ट है, घाटे का वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम घाटे का वित्तीय व्यवस्था करेंगे तो क्या होगा, हमारे हमारे मुद्रा में क्या हो जाएगा? आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगा। तो मुद्रा में आपूर्ति होगा तो क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, रुपी डेप्रिसिएट करेगी। इस तरीके से ये प्रभाव हो सकता है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद है? तो अटाला मस्जिद कहाँ पे है? जौनपुर में है। अटाला मस्जिद जौनपुर, जौनपुर को क्या कहते हैं? भारत का सिराज कहते हैं। तो अटाला मस्जिद जौनपुर में है, जौनपुर को भारत का सिराज कहते हैं। यही से शेरशाह सूरी ने अपनी पढ़ाई को पूरी की थी। किस गवर्नर के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था डलहौजी के काल में। लॉर्ड हटा लीजिएगा, ठीक है। तो द्वितीय किस गवर्नर के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था? डलहौजी के काल में। महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो महलवाड़ी व्यवस्था जो है हमारे हेल्ट मोकनजी ने लागू किया था। रैयतवाड़ी जो थे टॉमस मुंडो हो जाएंगे, रैयतवाड़ी। और फिर जो है आपके यहाँ पे जो कॉर्नवालिस जगह पर्मानेंट सेटलमेंट हो जाएगा बंगाल में। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है किसको? तो यहाँ पे याद करना है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति जो होता है उसकी आवश्यकता किसको पड़ती है? विधानसभा में। तो विधानसभा ही पारित करता है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान किया गया है? ये आया था आपका 2005 के 93वां संविधान संशोधन, जिसमें राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर एससी एसटी और ओबीसी को यहाँ पर क्या विशेष उपबंध कराए गए थे। विधान परिषद के कुल सदस्यों में कितना सदस्य राज्य में रह रहे हैं स्नातकों यानी ग्रेजुएट द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो ग्रेजुएट द्वारा निर्वाचित कितने होते हैं? 1/12 होते हैं, ठीक है। तो 1/12 हो जाएगा। विधान परिषद के कुल सदस्यों में कितना सदस्य राज्य में रह रहे हैं स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? 1/12। मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? ये हुआ था गुप्त काल में हुआ था। मंदिर निर्माण कला का जो जन्म हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। पता ही होगा मंदिर कला कितने हो गया, एक तो दक्षिण भारत के लिए हो गया द्रविड़ शैली और उत्तर भारत के लिए हो गया नागर शैली। अब बीच में जो हो जाता है होगा सेंटर पार्ट का बेसर शैली। मैगस्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो मौर्य समाज में, मैगस्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में कौन सा वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो इस आंसर के अनुसार, ये क्वेश्चन मैंने बहुत सर्च किया था लेकिन नहीं मिला, यहाँ पे इस की के आंसर क्या है? ब्राह्मण। और याद रखना है कि मौर्य समाज में यहाँ पे स्लेव गुलामों का कोई अस्तित्व नहीं था, ठीक है। मैगस्थनीज के अनुसार जो है मौर्य काल में गुलाम नहीं थे, मेरे को इतना याद है, ठीक है। तो याद रखना है कि इस की के अनुसार ब्राह्मण यहाँ पे दे रखा है। प्रचंड या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो उसमें क्या होता है, जो सीमांत उत्पादकता होती है वो जीरो होती है। तो छिपी हुई यानी आपका डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होता है लेबर का वो क्या होता है? जीरो होता है। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी पे है? तो ये आपका छिपरा नदी पे है। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के तट पे है? तो छिपरा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? तो घुमक्कड़ जनजाति में से कौन सा नहीं है? तो पिग्मी नहीं है। पिग्मी कहाँ पर रहते हैं? कॉन्गो में रहते हैं, ठीक है। मसाई बताइएगा कहाँ रहते हैं, केन्या में रहते हैं या अफ्रीका में रहते हैं बताइएगा। लेपचा हो जाएगा सिक्किम में, और कज्जाक आप मेरे को बता सकते हैं। तो पिग्मी हो जाएगा आपका कहाँ पर? कॉन्गो वैली में, कॉन्गो के पास, कॉन्गो घाटी में मिलता है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से सबसे बड़ा समूह किसका है? तो सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति है। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है कहाँ पे? तो ये होता है शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से होता है।
देखिए ठंड में अगर उत्तर भारत में पानी बारिश होती है तो वो होता है पश्चिमी विक्षोभ से यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है यानी भूमि से लैंड लॉक है, तो ये आपका लूनी नदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है भूमि बंधित है, तो लूनी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, तो निर्वनीकरण का प्रभाव कौन सा नहीं होगा, इसमें शहरीकरण दे रखा है। नेक्स्ट है कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कार्बन क्रेडिट की शुरुआत क्योटो प्रोटोकॉल से किया गया था। कार्बन क्रेडिट की शुरुआत क्योटो प्रोटोकॉल से हुआ था और क्योटो प्रोटोकॉल की स्थापना हुई थी 1997 में, एक्ट आया था और इसको लागू किया गया था 2005 से लागू किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन को ही रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कहेंगे, रियो डी जेनेरियो में हुआ था और इसको अर्थ समिट के नाम से जानते हैं 1992 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था 1987 में हुआ था 1987, और यहाँ पे किसके लिए था, जीएचजी एमिशन यानी ओजोन को कम करना था, ओजोन के लिए था। नेक्स्ट है धोने का सोडा क्या हो जाएगा, यहाँ पे Na2CO3.10H2 हो जाएगा। खाने वाला सोडा NaHCO3 हो जाएगा। विरंजक चूर को हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा CaSO4.5H2O, दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो दो हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, तो ये होता है हमारा बैगनी कलर का। बैगनी कलर का प्रकीर्णन जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, यानी इंडिगो कह सकते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है आपका पास्कल के नियम पर होता है, और जो स्प्रेयर होता है जो स्प्रे करते हैं हम लोग वो होता है बर्नौलिस के प्रिंसिपल पे। याद रखना हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है काम करता है पास्कल के नियम पे, और जो स्प्रेयर होता है जो स्प्रे करते हैं हम लोग तो वो होता है आपका बर्नौलिस के प्रिंसिपल पे। और रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी बैक्वेरल ने, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी बैक्वेरल ने, याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे देख लेते हैं गुलाम वंश के बारे में, तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उनकी राजधानी ऐबक के समय में, इसकी राजधानी कहाँ थी, लाहौर में थी। कुतुब मीनार की नींव जो है ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। ऐबक को लाक्ष बख्श भी कहा जाता है। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था और कुवत उल इस्लाम को निर्माण करवाया था। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनानायक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था, ये बात यहाँ पर याद रखना है। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था तथा ऐबक के मृत्यु के समय वह बदायूं का शासक था। ठीक है, ऐबक के मृत्यु के समय वह बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर लिया था। इसके बाद से जो दिल्ली ही राजधानी रही है, तो इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से कहाँ शिफ्ट कर दिया, दिल्ली। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। तो याद रखना है इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति जो है कहाँ से मिला था, दिया था, तो ये बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे, तो शुद्ध अरबी सिक्के जो है आपका किसने जारी किया था, तो ये था आपका इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चहलगानी नामक संगठन किसने बनवाया था, तो इल्तुतमिश ने बनाया था। तो तुर्कान ए चहलगानी स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने, ख़त्म किया था बलबन ने। एकता प्रणाली की शुरुआत भी आपका इल्तुतमिश ने ही किया था। यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कि यहाँ पे इल्तुतमिश द्वारा किए गए संगठन तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किसने किया था, तो बलबन ने किया था। संगठन स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने, ख़त्म किया था बलबन ने। इसने राज दरबार में बलबन जो है सिजदा और पैबोसा की प्रथा स्टार्ट की थी बलबन ने। इसने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी, तो उलुग खां की उपाधि किसको मिली थी बलबन को, किसने दिया था, नसीरुद्दीन महमूद ने। और याद रखना है नसीरुद्दीन महमूद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सरकार अपना जीवन यापन करता था, टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। ये है, तो ये हमारा आज का सेट नंबर 14 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है आप ज्वाइन हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।